from New York, Late Night Show with Fike Siddiqui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamu alaikum and welcome to the show. साहिबों, बात करनी है कि आज काजी फायज ईसा जिस अंदाज से नंगधड़ंग भागे हैं उस पे तफसील से बात करनी है, लेकिन कुछ दोस्तों ने कहा कि पिछली वीडियो में आपने फवाद चौधरी और अली जैदी पे बहुत थोड़ा सा वो बात की, आप खुल के क्यों नहीं बात कर रहे हैं, आप खुल के बताइए। तो चलिए आज खुल के बात कर लेते हैं, लेकिन अभी भी टाइम दोनों तरफ डिवाइड करना है। हमारे एक सीनियर मेंटोर कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए, बुज़ुर्ग कह लीजिए, कमर जमील साहब, वो रेडियो कराची के प्रोड्यूसर थे, तो वो एक लाइन उनकी थी, वो कहते थे कि सांप आए, उनका ऑफिस था, वो कहते थे चौकीदार से, सांप आए आने दो, रशीद अहमद आए रोक लो। रशीद अहमद जो है वो सांप से ज़्यादा ख़तरनाक है, सांप आए आने दो, फवाद चौधरी आए रोक लो, अली जैदी आए तो रोक लो, ये सांप से भी ज़्यादा ख़तरनाक लोग हैं। अच्छा देखिए, सच्चाई से जल्दी जल्दी बुलेट पॉइंट्स में बात करेंगे। ये अली जैदी से ज़्यादा ख़तरनाक जो है ना वो फवाद चौधरी है। क्यों? फवाद चौधरी जो हमला करेगा, जो हमला कर रहा है, वो बहुत ही रैशनलिटी के साथ अकली दलील ऑब्जर्वेशन करेगा पहले, वो ये सो उसकी आदत है शुरू से, जहीन आदमी है चुके, लेकिन उसका मनफी इस्तेमाल कर रहा है आजकल। कि देखिए ये तो बात तय है, ये दोनों हजरात इतनी जल्दी में क्यों हैं, पार्टी में क्यों इतनी तेज़ी से वापस आना चाहते हैं, इनको यकीनन किसी ने भेजा है, वरना इनकी मोहब्बत अब अचानक ऐसे जाग गई जब इनको एहसास हो रहा है कि शायद पार्टी दोबारा आ जाए, तो उससे पहले उसको ताराज करने के लिए किसी के मिशन पे हैं। मतलब इस पर तो खुल के शक किया जा सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। देखिए जब आप किसी सियासी जमात के साथ होना और उससे आप मोहब्बत का दावा करें, तो या तो आप मोहब्बत करेंगे या आप छोड़ के चले जाएंगे। ये नहीं होगा कि आप हुकूमत में भी शामिल हों, दगाबाजी भी करते रहें, वक्त आने पे भाग भी जाएं, तो ये सब नहीं करने चाहिए। क्या अच्छा शेर किसी का याद आ रहा है कि एक तरफ होने पर है कि भाई एक तरफ हो जाइए, क्या था कि हाँ की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। भाई छोड़, इश्क का दामन पकड़ लिया हमने तो एक तरफ हो गए, तो ये भी एक तरफ हो जाए। मतलब ये नहीं हो सकता कि आप हुकूमत भी करें, दगाबाजी भी करें, ये नहीं चलेगा। हुसैन से भी मोहब्बत, यजीद को भी सलाम, यहाँ ये नहीं होने देगी कौम ने, अब बहुत ज़माना बदल गया है। अच्छा मैं आपसे कह रहा था ये बहुत ख़तरनाक आदमी है फवाद चौधरी। क्यों? देखिए उसने आते ही दो हमले किए हैं। अच्छा अब वो किस खूबसूरती से, देखिए पहला हमला उसने ये किया है कि जो नई क़्यादत सामने आई है, सबसे पहला उसका ऑब्स्टिकल हर्डल तो यही लोग हैं ना कि इनको उड़ाऊँ। उसने एक बड़ी ज़बरदस्त दलील दी कि ये लोग कुछ नहीं कर पाए, उसने ऑब्जर्वेशन ली पहले, और ये सच है कि ये लोग कुछ नहीं कर पाए, ये मैं भी कब से कह रहा हूँ, लेकिन हमारे कहने में और इनके कहने में बड़ा फ़र्क है। इसकी नीयत जानिए, हमारी नीयत यह है कि बेहतरी हो जाए। हम अपने ऊपर भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, अपनी पसंद के लोगों पर भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, करना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसने ये पैगाम दिया कि ये कुछ नहीं कर पाए, मैं करूँगा। तुम क्या करोगे हमें पता है, तुम भाग जाओगे, तुम भेजे गए हो, जो भेजे जाते हैं वो भाग भी जाते हैं आसानी से, ठीक है ना, तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। दूसरा हमला उसका देखिए क्या किया, अब पार्टी को डिसमेंटल करने के लिए, ख़राब करने के लिए एक इंतहाई घटिया लेवल पे नीचे उतर के बात की, नेशनल लेवल के लोगों को ऐसी बात नहीं करना चाहिए, यहाँ से पता चल गया ये नेशनल लेवल के आदमी नहीं है। कहने लगे शानदाना गुलजार ने जो है वो तासुब की बात की है, वो पंजाबियों से नफरत करती है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए अब इस पार्टी में, ये एक पार्टी एक अरसे के बाद ऐसी वजूद में आई है जिसको चारों सूबों में, पांचों कौमियतों में, हर जगह मोहब्बत है, हासिल है, ये विफाक को जोड़ के रखने वाली पार्टी है, उसमें आके ये नासूर पैदा करना,
ये नासूर कितनी जानें निगल चुका है, कितने नुकसान कर चुका है। ऐसा है नहीं, लेकिन ये आपको ऐसे ही सुझाएगा, और ये इतना जहीन आदमी है, ये सुझा भी देगा आपको, साबित भी कर देगा, लेकिन नियत आपको पता होनी चाहिए। शायद दूसरा किरदार जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किरदार है अली जैदी। वो कहता था कि मेरे माथे पे गोली रख के मार दो, मैं वफा निभाऊंगा इमरान खान के साथ, और यकीन कीजिए सबसे पहले ये छोड़ के भागा, सबसे पहले ये शख्स भागा। अब कह रहा है मैं इमरान से मिलके जो है वो लग के सीने से रोना चाहता हूँ। इसकी मोहब्बत देखिए, इनकी मक्कारी जो है वो नज़र आ जाती है अली जैदी की, उसकी मक्कारी नज़र नहीं आएगी आपको, उसको लगेगा ये बहुत अकल से बात कर रहा है फवाद चौधरी, ये फ़र्क है। अब कह रहा है मैं गले मिलके, अरे भाई जब ये गले मिले हैं तो ज़रा ख्याल रखना कि जब ये गले मिल रहे हो तो इनका पीठ के पीछे जो हाथ हो उसमें कुछ कोई चीज़ ना हो। क्यों ये इतने, देखिए जो एक दफ़ा चला गया और एजेंसीज के हाथ लग गया, उनके पास इतनी फाइल्स होती हैं कि वो कहीं ना कहीं इनको दबोच लेंगे, धर लेंगे, और ये उसके मिशन पे हैं। अच्छा, तो इन दोनों हजरात को जो है वो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी सूरत इनकी कोई बात सुनी जाए। इन दोनों को जो है वो बहुत दूर रखना चाहिए, और जो लोग इन्हें भेज रहे हैं वो तो अपने मकसद के पीछे लगे हुए हैं। अरे यूनाइटेड नेशन करारदाद पास कर दे, यूएस कांग्रेस करारदाद पास कर दे, वो अपनी कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं, उनकी बेशर्मी देखिए आप। अब इन जैसे लोगों को भेजा जा रहा है कि जाओ जाके चुपके से ये खंजर घोप दो। शेर सुनिए, इजाज़त दीजिए कि इनका टॉपिक बंद किया जाए, कि इनके उन लोगों के लिए जिन्होंने इन्हें भेजा है, कि जंग ही ठहरी तो जंग के कुछ आदाब भी हैं, जंग ही ठहरी तो जंग के कुछ आदाब भी हैं, पीठ में खंजर घोपने वालों सामने आकर वार करो। ये वो लोग हैं जो इमरान की पीठ में खंजर घोप रहे हैं। अगर बहादुर हो तो सामने आके वार करो। अच्छा, इनके लिए ज़्यादा टाइम खर्च हो गया, तो इनको तो यहाँ पे उठा के बंद कीजिए, इनसे दूर रहिए। ये इतनी जल्दी में पार्टी में क्यों आना चाहते हैं, इनको कवरेज ना दीजिए, आज के बाद इनके मौजू को डिस्कस मत कीजिएगा, जस्ट थ्रो देम आउट। आइए आप इस बात की तरफ कि काजी जिस अंदाज से भागे हैं उससे क्या जाहिर होता है। अच्छा, काजी की जो आज शिकस्त हुई है उस पर मैं आपसे एक बात कहूँ। अगर मैं ये कहूँ कि काजी एक्सपोज हो गए, तो अभी इसका मतलब ये है कि वो वाजह के सामने आ गए। या मैं कहूँ काजी बेलिबास हो गए, तो उससे ज़रा और बड़ी तस्वीर नज़र आएगी। और अगर मैं ये कहूँ काजी नंगे हो गए, नंग धड़ंग होके भागने लगे, तो आपकी आंखों में मंजर आएगा वो बिल्कुल बगैर कपड़ों के नंगे होके दौड़ रहे हैं। और ये उर्दू ज़बान में बड़ी वो है, कुव्वत है, कि वो मुख्तलिफ अल्फाज से मुख्तलिफ तस्वीरें आप बना सकते हैं और वो मंजर लोग देख लेते हैं। तो ये सच्ची बात है कि आज काजी बिल्कुल नंग धड़ंग होके अपने भाग रहे फाइलें लेके, जैसे क्यों उनको बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। देखिए साहिबों, पूरी दुनिया में चीफ जस्टिस जो होता है उसका बहुत मुकाम होता है यार, बहुत बड़ा अहदा होता है। अच्छा, ये पहला चीफ जस्टिस मैंने देखा है। देखिए फेवर तो सब करते रहे, पिछले भी करते रहे, लेकिन ये खुलकर पार्टी बन जाते हैं, ये बोलने नहीं देते लोगों को, खुद बोलते रहते हैं और खुलकर जो है ये जर्नलों का साथ दे रहे हैं और पीटीआई को रगड़ रहे हैं। और आज इस बुरी तरह से इनका रगड़ा हुआ है कि इनके सारे कपड़े उतर गए और ये फाइलें लेकर दौड़ रहे हैं कि अब मैं कहाँ जाऊँ। और इन्होंने एक हफ्ते की कार्रवाई मुअत्तल कर दी, एक हफ्ते के लिए। क्यों? ताकि इस एक हफ्ते में एजेंसीज जाएं और दो चार जजेस जो हैं उनका गला दबाएं और कोशिश करें कि वो इनकी बात मान लें। यार किसी मुल्क में आपने ऐसा देखा है कि चीफ जस्टिस खुलकर पार्टी बना हुआ है, खुलकर दलीलें देता है अपने हक में बजाय सुनने के बोलता जाता है। अच्छा देखिए, एक और चीज़ है जिस पे आप ज़रा गौर कीजिएगा कि पाकिस्तान की सियासत में एजेंसी शुरू से शामिल हैं, किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन ये पिछले दो सालों में
एक ऐसा किरदार अदा किया इन एजेंसीज ने जिन्होंने आपको हैरान कर दिया है। दे मेक्स मी वंडर, मतलब मैं हैरान रह जाता हूँ कि यार अगर कोई आज से चंद साल पहले मुझसे कहता कि ऐसा वाकया होगा तो मैं कहता यार कोई सेंसिबल बात कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, इतनी अंधी थोड़ी चलती है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा हो चुका है। वो क्या हो चुका है मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए पहला पॉइंट, सदर को सदर से एक बिल पे दस्तखत कराने के लिए एजेंसीज ने उसके जाली दस्तखत करवा के बिल पास करवा दिया। अरे किसी मुल्क में किसी सदर के जाली दस्तखत हो सकते हैं? इस मुल्क में जाली कार्रवाई करवा दी सदर की नाक के नीचे, कमाल कर दिया। दूसरा पॉइंट, क्या आप यकीन कर सकते हैं अपने वक्त के मकबूल तरीन वजीर आजम को उतार कर एक लोहे के बड़े से पिंजरे में पेश किया गया अदालत में, पिंजरे में बंद कर दिया। लोकल तस्वर कर सकते थे आज से 5 साल पहले अगर कोई बात कहता तो। माफ कीजिए। पॉइंट नंबर 3, यार क्या आप इस बात का तस्वर कर सकते थे आज से 5 साल पहले कि एजेंसीज जो हैं वो जज के बेडरूम में कैमरे लगाकर ये फिल्म बंद कर लेंगे जब वो अपना हक ज़ौजियत अदा कर रहे हैं, उसकी फिल्म बना लेंगे। मतलब आप अगर आप शऊर है आपको तो आप परेशान हो जाएंगे, कहेंगे नहीं ये नहीं हो सकता यार, ऐसा थोड़ी होता है, इतना डीप थोड़ी जाती हैं कोई एजेंसीज। यहां पे हो चुका है। अच्छा अब आप ये देखिए, इसके बाद एक और चीज़, कल मुझे एक दोस्त ने पिक्चर भेजी, शायद मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूँ, मैं हमारे पास एडिटिंग का टाइम नहीं होता, कि जनरल आसिम मुनीर ने 10 जुलाई को, अब आने वाली 10 जुलाई, कहा था एक साल में मईशत ठीक हो जाएगी। कोई भी जी शऊर आदमी ये दावा नहीं कर सकता, इस आदमी ने दावा किया था और आज मईशत की क्या हाल है आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। मतलब ये हैरत अंगेज बातें हैं मेरे नज़दीक, कि एक आर्मी चीफ आगे कहे मैं इकोनॉमी ठीक करूंगा, जिसको कुछ नहीं पता, जो सिर्फ बजट में से पैसे लेते हैं और कलफ लगवाते हैं वर्दियों पे और उड़ाते हैं पैसे, वो ये कह रहा था कि मैं एक साल में जो है इकोनॉमी ठीक कर दूंगा। और देख लीजिए आज एक साल में इकोनॉमी 2 साल में कहाँ पहुँचा दी। तो ये वो बातें हैं जिनको सोचो तो शर्मिंदगी होती है और हैरत होती है कि यार तुम सदर के जाली दस्तखत कराओगे, वज़ीर आज़म को पिंजरे में बंद कर दोगे और जज की जो है वो फिल्म बना लोगे उसके बेडरूम की। वंडर किए इन्होंने, वंडर।